शुरू करते हैं बॉलीवुड की बड़ी खबरें। बॉलीवुड में एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म करने वाले अक्षय कुमार इन दिनों अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म बेल बॉटम को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कोरोना के कारण हालांकि अभी कई राज्यों में सिनेमाघर नहीं खुले हैं, लेकिन इन बीच जिन राज्यों में सिनेमाघर खुले हैं, अक्षय की बेल बॉटम पहली फिल्म है जो इस कोरोना काल के दौरान थिएटर में रिलीज होने जा रही है। हालांकि फिल्म के रिलीज होने से पहले जहां एक्टर दबाव महसूस कर रहे हैं, वहीं उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि दर्शक सिनेमाघर में वापस आने के लिए तैयार भी हैं। बचपन का प्यार से हाल ही रातों रात इंटरनेट सनसनी बने सहदेव दियोदो का पहला गाना मशहूर रैपर बादशाह के साथ आ गया है। गाने को रैपर बादशाह ने क्रिएट किया है। गाने का टाइटल भी बचपन का प्यार ही रखा गया है। गाने के रिलीज होते ही एक बार फिर से बचपन का प्यार लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर से लोगों के सपने को पूरा करने के लिए आ रहा है। केबीसी के 13वें सीजन की मेजबानी करने के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक्साइटेड हैं। मेकर्स ने नए शो के लिए तैयार हैं। आज से ठीक 12 दिन बाद कौन बनेगा करोड़पति 13 का आगाज हो जाएगा। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोमो शेयर कर दिया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उन्हें जमानत न दी जाए। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि राज कुंद्रा को बेल मिलने से समाज में गलत मैसेज जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि राज कुंद्रा छूटने के बाद फिर से ये क्राइम करेंगे और यहाँ तक कि वो भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। पुलिस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब कोर्ट इस मामले पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता प्रकाश राज मंगलवार यानी 10 अगस्त को एक हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अपने घायल होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरने की वजह से उन्हें फ्रैक्चर हो गया है और वे इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर दोस्त के पास हैदराबाद रवाना हुए। इस खबर के सामने आने के बाद प्रकाश राज के फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।